स्वागत है आपका अन्नपूर्णा किचन में। आज बनाएंगे हम काले चने की स्वादिष्ट सब्जी। 600 ग्राम मैंने काले चने लिए हैं, इनको ओवरनाइट मैंने सोक करके रख लिया है, वॉश कर लिया अच्छी तरह। अब मैं इसे कुकर में डालकर बॉईल करूंगी। इसमें 1 लीटर मैंने पानी डाल दिया है, 1 बड़ी इलायची कूट के डाल दी है बीच में, और नमक हम स्वाद अनुसार उबलते समय डाल देंगे। उबलते समय 1 आलू मैं रख दूंगी, इसको मैश करके डालूंगी जिससे ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी। कुकर को बंद करके मैं गैस पे चढ़ा दूंगी, विसल आने के बाद कम करके कम से कम 25 मिनट हम इसे उबालेंगे। मसाले के लिए, तड़के के लिए हम 3 टमाटर, 1 बड़ा प्याज, 20-25 लहसुन की कलियां, 1/2 इंच अदरक और हरी मिर्च लेंगे। इसको मैं हैंड ब्लेंडर से पीस लूंगी। मसाला मैंने हैंड ब्लेंडर से पीस लिया है। इसी में मैं थोड़ी सी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी, नमक थोड़ा सा क्योंकि हमने पहले भी डाल दिया था, और 1 चम्मच गरम मसाला डाल दूंगी। आसान तरीका बताऊंगी मैं मसाले को भूनने का, कुकर में बड़ी आसानी से हम भून सकते हैं इसे। खड़े मसालों में मैं 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच अजवाइन का लूंगी। इसी में मैं थोड़ा सा साबुत धनिया डाल दूंगी। 25 मिनट हो चुके हैं, चने बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। चने में मैंने बॉयल आलू डाला था बॉयल करने के लिए, ये भी बॉयल हो गया है। इसे भी हम चम्मच की सहायता से पीस लेंगे, अच्छी तरह क्रश कर लेंगे। 2 कड़छी मस्टर्ड ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, ये गर्म हो चुका है। पहले हम खड़े मसाले डालेंगे, और अब हम जो अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट था बीच में, जो पीसे मसाले थे, वो भी कुकर में डाल देंगे। इसे अच्छी तरह चलाएंगे और कुकर का लिड बंद कर देंगे। लिड हमने बंद कर दिया है। जैसे ही 1 सीटी आने लगे, फ्लेम हम बिल्कुल कम कर देंगे और 7 मिनट के लिए कम फ्लेम पर मसाले को पकने देंगे। विसल आने वाली है, अब हम फ्लेम को कम करके 5-7 मिनट तक इसे मसाले को पकने देंगे। मसाले से तेल अलग हो गया है, अब हम इसमें मैश्ड पोटैटो डालकर आंच पर थोड़ा सा और इसे पकाएंगे। पोटैटो को अच्छी तरह हम मसाले में पीस देंगे ताकि हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। इस स्टेज पर 2 चम्मच हम चना मसाला डालेंगे। आलू मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हम धीरे धीरे जो काले चने हैं, पानी के विद वाटर, जो भी पानी था बॉइल, उसके साथ ही कुकर में डाल देंगे इनको। अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर देंगे। कुकर का लिड लगाकर हम इसे 5 मिनट के लिए गैस पर रखेंगे। लिड मैंने लगा दिया है। जैसे 1 विसल आने वाली होगी, मैं इसे कम कर दूंगी और तकरीबन 5-7 मिनट के लिए इसे पकने दूंगी। 7 मिनट हो चुके हैं, गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। स्टीम निकलने तक वेट करेंगे, उसके बाद हम कुकर को खोलेंगे। 5 मिनट हो चुके थे, स्टीम निकल चुकी थी, मैंने इसको कुकर से निकाल लिया है चने की सब्जी को। अब हमारी चने की सब्जी ये तैयार है। पेश है चटाकेदार मसालेदार काले चने की सब्जी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।